हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बाइक में ऑयल वगैरह लीक कैसे होता है और उसको कैसे ठीक करते हैं, और चेन सॉकेट भी गया हुआ तो उसको भी कैसे ठीक करते हैं करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं बजाज शोरूम में, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बाइक में ऑयल ही ऑयल गिरने का दिख रहा है। यहाँ पे पूरा ऑयल ही ऑयल हो गया है, शायद इसका ऑयल सील गया हुआ लगता है। इसको देखना पड़ेगा ओपन करके। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पूरा ऑयल ही ऑयल है, ये दिख के पूरा ऑयल ही ऑयल दिख रहा है। पूरा इंजन के नीचे सब ऑयल ही ऑयल है, तो देखते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये चेन, इंजन का चेन है, वो यहाँ पे ओपन किया है हम लोगों ने। इधर पूरा दिख रहा है पूरा ऑयल गिरने का। यहाँ पे पूरा एकदम ऑयली ऑयल लग रहा है देखने में। ये देखिए पूरा ऑयली ऑयल है, पूरा चेन का जो ऑयल रहता है ना वो भी इधर अट्टा होके सब हो गया है। और इसको हम ओपन करते हैं चेन बॉक्स को, चेन बॉक्स को पूरा कवर निकाल लेंगे चेन बॉक्स का। ये देखिए वहाँ से हम लोग चेन ओपन करके कर दिया है, पूरा चेन निकाल दिया है, चेन सॉकेट भी निकाल दिया है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो चेन इधर रहता है ना उधर से ये जो ऑयल पूरा गिरा हुआ है, ये जो राउंड दिख रहा है ना आपको, वो चेन का, चेन को इंजन घुमाता है ना, उसका जो व्हील है ना उससे पूरा नीचे गिरा हुआ है। उधर से ही ऑयल सील उधर ही होता है, तो उसको हम क्लीन करके लेंगे थोड़ा पेट्रोल डाल के। इसको पूरा क्लीन करके लेना है पहले, उसके बाद जो ऑयल सील रहता है ना उसको ओपन करके नया डाल देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको निकाल दिया है ऑयल सील को, ये पुराना वाला था उधर से ही लीकेज हो रहा था। ये देखिए ये पुराना वाला है, ये पूरा खराब हो गया था पहले, एक साइड से वो लीकेज आ रहा था लीकेज का ऑयल। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक साइड से बेंड हो गया है, उधर से लीकेज हो रहा था पूरा इंजन का ऑयल। अब उसको क्या करेंगे कि अभी इसको नया डाल देंगे, नया वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नया वाला है, एकदम नया। और ये देखिए ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला राउंड शेप में नहीं है, आप लोगों को दिख रहा है देखिए साइड में गया हुआ है। अभी ये है ना, ये नया वाला है, अभी ये नया वाला उधर हम डाल देंगे उस पर। तो हमने इसको डाल दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर डाल दिया है नया वाला। अभी हमने आपको घुमा के दिखाया था ना उधर ही, ये जो राउंड दिखा है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे चेन सॉकेट पूरा नया डाल देंगे। पहले टायर वगैरह सब निकाल के लेना है, आपको पता ही होगा, ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ सकते हैं ना आप लोग। चेन सॉकेट का व्हील होता है ना वो पूरा घिस घिस के पूरा उसका जो दांत रहते हैं ना उसका पूरा खराब हो गए थे, इसके लिए वो सब आवाज़ आ रहा था, गाड़ी को घसने की आवाज़ आती है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा।
घसने की आवाज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पुराने वाली है, निकाला था हम लोगों ने, इसका पूरा दांत सब घिस घिस के गया हुआ है, और उसका भी ये एक रबर रहता है अंदर, वो भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरा घिस के इसका दांत निकल गए हैं, ये देखिए। अब ये देखिए ये नया वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए नया वाले और पुराने वाले में कितनी अंतर आ रहा है। देखिए ये आगे वाली दिख रहे हैं ना, वो नई वाली है, वो पीछे वाली है वो पुरानी थी, पूरा घिस घिस के निकल गया है उसका। और उसका जो पुराना वाला चेन भी निकाल दिया, चेन भी ख़राब हो गई थी, पूरी चेन की कवर को पूरा घिस रहा था, चेन एकदम लंबी हो गई थी घिस घिस के। उसको कट करके नहीं डाल सकते, कट करके डालने से प्रॉब्लम होगा, आप लोग स्पीड से जाते हो तब बीच में से कट हो गए तो प्रॉब्लम होता है, इसके लिए उसको कट करके नहीं डालना चाहिए, उसको पहले कैसा नया वाला आता है ना वैसा ही नया ही डालना चाहिए। ये देखिए हम लोग ने इसको नया ही डाल दिया है, और इसका जो व्हील छोटा वाला व्हील रहता है ना गियर के, उसमें वो भी नया है, सब कुछ नया डाल दिया। आगे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए हम लोगों को गाड़ी चलाते वक्त। जो पुराने वाला चेन होती है ना उसको कट करके और उसको ही ठीक करके डालने से क्या होता है, हम लोग गाड़ी तेज़ी से चला रहते हैं तभी क्या होता है उसको कट होने की चांसेस रहती है, इसके लिए उसको पुराने वाला चेन कट करके नहीं डालना चाहिए, नया ही डालने से आप लोगों को बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए हमने नया ही डाल दिया सब कुछ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चेन वगैरह सब कुछ लगा के हो जाने के बाद उसको थोड़ा चेन को ऑयल या चेन को थोड़ा सॉरी चेन को थोड़ा ग्रीस लगा देना चाहिए ताकि वो स्मूथ चले और कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये ग्रीस यहाँ हमारा सब कुछ अभी हो गया, उसको क्लीन वगैरह करके हम उसको अभी पूरा असेंबली लगा देंगे, टायर वगैरह सब कुछ फिट कर देंगे। अभी हमारा सब असेंबली फिट करके हो गया, इसको हम टायर भी लगा दिया और चेन कवर भी लगा दिया और सब कुछ लगा दिया, अभी हमारा हो गया सब कुछ। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में कुछ ऑयल भी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने क्या किया था कि उसको धो लिया था गाड़ी को, सब कुछ हमारा सब हो रिपेयर सब हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑयल गिरने की भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम ड्राई हो गया है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है ऑयल गिरने का, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा करके मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।